हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रक्षा वैद्य एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्स। सो एज यू ऑल नो दैट द विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर द मेडिकल फैसिलिटी एंड द प्रोफेशनल ऑल अक्रॉस द ग्लोब, द मेडिकल फील्ड हैज अगेन अ लॉट ऑफ पॉपुलरिटी। आउट ऑफ मैनी द मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्सेज इज द मोस्ट सॉट आफ्टर द प्रोफेशन फॉर द यंग मेडिकल एस्पिरेंट ड्यूरिंग द मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्स एंड द इंडिविजुअल डेवलप थियोरिटिकल नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल स्किल टू वर्क with a medical transcriber. So in this video we will see what is the medical transcriber or what the qualities or eligibility criteria you should have and what is the income after completion of this course. So let's start the video. So first we see what is the medical transcription course. Actually the medical transcription, it can be defined as a process of the transcribing voice recorded detection by the healthcare professional pertaining to the patient medical record into an electronic or paper format to create the file that depicts the treatment history of the patient. And this course is all about to learn how to transmit the voice recording by the physician and other health workers and convert them into a report. The course will also teach you to interpret the medical terminology and the abbreviation while preparing the patient medical history and discharge summary and any other document for that the matter. यदि simple सी भाषा में हम कहें तो medical transcription एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप किसी भी physician या doctor के अंदर में यदि आप work कर रहे हैं तो उनकी voice को आपको सुनना होता है कि किसी भी patient को लेकर वो क्या बात कर रहे हैं। Suppose जैसे कि किसी भी पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, आपके डॉक्टर या फिजिशियन ने उनसे कौन सा मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है, उसे क्या बीमारी थी, उनका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या था, उस पेशेंट का टोटल मेडिकल हिस्ट्री को लिखते हुए आपको पेशेंट को यदि डिस्चार्ज किया गया तो उसकी पेशेंट समरी मतलब डिस्चार्ज समरी को बनाना, ये सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उसे लिखना प्रॉपर, या तो आप पेपर बेस्ड भी कर सकते हैं, यदि आपके फिजिशियन ने डिमांड किया है तो आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भी इसको फीड कर सकते हैं। यही होता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्स के अंतर्गत और यही मीनिंग है आपका मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का। सो फॉर परस्यूइंग द मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्स व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशलाइज्ड स्किल बट इट ओनली द डिमांड स्किल्स लाइक अ गुड लिसनिंग, एक्सलेंट कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द नॉलेज ऑफ द मेडिकल टर्मिनोलॉजी एंड द एब्रीविएशन। एंड द आइडियल क्वालिफिकेशन फॉर द मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनर इज ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव स्किल एंड प्रिफरेबली अंडरगोइंग अ ट्रेनिंग कोर्स इन मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एंड मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट टू टेक अ 10+2 इट मीन्स 12th विथ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव एज देयर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू परस्यू अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्स। इस कोर्स को करने के लिए आपका इंग्लिश बेस होना जरूरी है। कुछ कॉलेजेस में 12वीं के ही बेस पे आपको एडमिशन मिल जाता है इस कोर्स के लिए, बट कुछ कॉलेज डिमांड करते हैं कि यदि आपका ग्रेजुएशन है इंग्लिश मीडियम से है तो भी आपको इस कोर्स को करने में कोई दिक्कत नहीं जाती है। व्हाट इज द फीस क्राइटेरिया फॉर द गवर्नमेंट college and the private institution? As you know, the government college fees is always low compared to the private institution. So in government college this course fees is 7,000 annual, and in the private institution the minimum fees started from the 15,000 and the maximum is 30,000 annual. And in government college maximum you can find this value is 12,000 per annum. तो government college की फीस आपकी हो जाती है 7 से 12 हजार और private college में आपकी फीस हो जाती है 15 से 30 हजार। So as become a medical transcriptionist, what the quality you have, you should good in computer skills and the writing skills and the critical thinking skill set and the excellent listener and the time management skills. So if you will good in computer skill, the medical transcription must computer user friendly and they also need to know how to operate the electronic health record system. You should have a good writing skill so you can a sound understanding of the English language and the grammar and should be familiar with the medical terminology. Critical thinking skill says
it like ability to detect the medical inconsistency and the inaccuracy in the detection. So they should also conduct the research to find the more information to ensure the detail provided in the report and the reliable and accurate. So fourth quality, you should have an excellent listener. So they should possess the excellent listening skill, should be able to adjust to different accent and the detection to interpret and intend meaning of the medical report. And fifth one is the time management skill. Medical transcriptionist should be comfortable working under the short deadline and should also possess a high level of the concentration over a long period of time. It means ये कि आपका computer skill अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपको electronic health record system कैसे maintain किया जाता है वो पता होना चाहिए, writing skill अच्छा होना चाहिए ताकि यदि आप computer पे work नहीं कर रहे हो और आपके physician ने demand किया है कि उसे paper based report चाहिए, तो writing skill यदि आपका अच्छा है तभी आप ये वर्क कर पाएंगे। थर्ड, ये क्रिटिकल थिंकिंग स्किल सेट्स आपका मजबूत होना चाहिए ताकि यदि आपने कुछ भी रिपोर्ट तैयार किया है तो वो रिलायबल हो और प्लस एक्यूरेट भी हो। फोर्थ क्वालिटी ये है कि आपका एक्सीलेंट लिसनर होना चाहिए, आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग होना चाहिए कि आप हर एक्सेंट को समझ सके, क्योंकि एक ही टाइम पे आप अलग अलग फिजिशियन के साथ में यदि वर्क कर रहे हैं और सभी फिजिशियन का एक्सेंट अलग है तो आपको वो लैंग्वेज भी समझ में आना चाहिए, साथ ही साथ वो एक्सेंट भी आपको समझ में आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को मैनेज करते आना चाहिए, क्योंकि एक ही टाइम पे यदि आप 5 फिजिशियन या 5 डॉक्टर्स के साथ में वर्क कर रहे हैं तो वो पांचों डॉक्टर को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो ये आपको तभी कर पाएंगे जब आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मतलब स्ट्रांग होगा। सो ए ब्रीफ अबाउट द मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोर्स द क्यूरिकुलम। एक्चुअली देयर आर अ 2 मॉड्यूल, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। इन मॉड्यूल 1 देयर इज अ 2 सेक्शन। सेक्शन 1, यू शुड लर्न द लैंग्वेज ओरिजिन एंड द एडेप्टन, एथिमोलॉजी, ग्रामर, स्पेलिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन एंड द मेडिकल वर्ड। इन सेक्शन 2, यू विल लर्न अबाउट द डायनेमिक ऑफ द मेडिकल वोकेबलरी एंड द वर्ड स्ट्रक्चर। ओके, एंड द वर्ल्ड डायनेमिक, बॉडी डायनेमिक, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट, मेडिकल स्पेशलिटी एंड द स्पेशलिस्ट, डायग्नोस्टिक एंड मेडिसिन, एब्रिविएशन, एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी एंड द फार्मेसी। फार्मेसी इट मीन्स फार्माकोलॉजी। सेकेंड इज द मॉड्यूल 2, देयर इज अ 3 सेक्शन। इन सेक्शन 1, यू शुड लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द ओरिएंटेशन टू रिपोर्ट द टाइप एंड outpatient report, inpatient report. In section 2, you will learn about the pharmacological compendium. A pharmacological compendium is a study of the drug and their interaction with the living organism and the drug terminology, doses of the drug and the schedule of the drug, terms related to drugs and the symbols, spelling, packing, administration of drug, classification of drug according to their brand, generic and the trade name. Okay, and the drug uses listing by the medical specialist. So in third section, you will learn about the surgical compendium, like a surgical instrument, suture and the dressing material, force of the detection for the pronunciation specifies and all types of the surgery related terms, listening, detection and the sample report. In the surgery compendium includes the general breast, like digestive system, intra-abdominal system, colon, bowel, anal and many other surgery related terms, listening the sample report. Now see what is the job profile for after completion of the MT. So you can work as a medical transcriptionist, medical summarizer, the court reporter, okay, as a translator, medical record and health information technician, information clerk, medical assistant. And what is the salary of this? The national average salary of medical transcriptionist in India is around the 275 to 268. It means it around the 3 lakhs per annum as per the record of the Glasgow. Or if you have experience 1 to 3 years, you can work as a medical summarizer and you get a payment 2.5 to 3.5 lakhs per annum. As a medical transcriptionist, if you have a experience 0 to 2 years, you can get a salary 2 to 6 lakhs per annum. And if you are working as a senior representative medical record coding as a translator, so you can get a 3 to 8 lakhs per annum.
So you can work in a government sector also, in any hospital, in any trust, healthcare department, private clinic, private companies, यहाँ कहीं पे भी आप job कर सकते हैं। ये मतलब आप पे डिपेंड करता है, यदि आपने इस कोर्स को किया है तो आप अपने घर के आसपास भी, यदि ऐसे एरिया पे रह रहे हैं जहाँ पे काफ़ी फिजिशियंस हैं तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल बिजनेस भी, मतलब आप सेटअप भी अपना इसमें शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। So just look the what is the top medical transcriptionist company. There is a Spheris in Bangalore, CBay, MedQuest, world largest and the fastest growing MT company in India, and the Focus Infosys, Acusys India, a pioneer of the home-based transcription jobs in India, and the Mediscribe India Limited, home transcription company, ScribeTech, UK-based MT company, SPI Technology, one of the fastest growing MT company, Medride India Hyderabad, WorldTech, All Zone Management Solution Private Limited, TransDoc.in, and many MT companies prefer the experienced MTs for the home-based project. However, few companies also refer the fresher home-based opportunity who worked really hard and completed the medical transcription course successfully. या वन मोर थिंग रिगार्डिंग टू एमटी कि बहुत से लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है कि मैम इसमें कैंपस सेलेक्शन होता है कि नहीं, तो यस कुछ कंपनी होती है जो कि कैंपस सेलेक्शन एमटीज का लेती है। लाइक थ्री कैटेगरी होती है आपकी, यदि आपका स्कोरिंग एबो 90 है तो वो लोग, वो बच्चे मतलब वो स्टूडेंट्स कैंपस सेलेक्शन के लिए जाते हैं। यदि आपका रैंकिंग 90 से कम है तो आपको कैंपस सेलेक्शन नहीं मिलेगा। इस जॉब की, इस कोर्स की यही एक खासियत है कि यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज से किया है और वहाँ पे कैंपस सेलेक्शन अवेलेबल है तो आपको जॉब भी अच्छे से मिल जाता है और काफ़ी अच्छे पैकेज पे आप मिलते हैं। और मिनिमम पैकेज जैसा कि हमने देखा 3 लाख है, तो स्टार्टिंग से मतलब ये इस कोर्स को करने के बाद आई थिंक अच्छा है। सो एज बिकम अ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, व्हाट द क्वालिटी यू हैव, यू शुड गुड इन कंप्यूटर स्किल्स एंड द राइटिंग स्किल्स एंड द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल सेट एंड द एक्सीलेंट लिसनर एंड द टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। सो इफ यू विल गुड इन कंप्यूटर स्किल, द मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन मस्ट कंप्यूटर यूजर फ्रेंडली एंड दे